Hello everyone, I am Professor N.B. Chatte, welcomes you all in the 29th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have solved some examples in the last lecture, right, on the EMF equation of the alternator. Now in today's lecture, we are going to discuss about one of the important point of this alternator chapter, that is alternator on load. Okay. So when the synchronous generator, that is alternator, is connected to the load, then the current flows from armature winding to the load. Okay. जब हम यहाँ पे जो alternator है अपना या फिर synchronous generator है वो load को connect करते हैं, तब armature winding में से जो current flow होता है, ठीक है, वो current current flows from armature winding to the load. करंट वो क्या करता है, आर्मेचर वाइंडिंग से लोड की तरफ आपका फ्लो होता है करंट, ठीक है. जेव्हा आपण सिंक्रोनस जनरेटर किंवा अल्टरनेटर हे लोडला कनेक्ट करतो तेव्हा करंट फ्लो होतो आपल्या आर्मेचर वाइंडिंग कडून लोड कडे. सो ऍज द लोड ऑन द अल्टरनेटर इज व्हॅरीड, आपको मालूम है अल्टरनेटर का लोड व्हॅरीड होता है, ठीक है. सो इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू व्हॅरी ऍज इन अ डीसी जनरेटर, ठीक है. जसं डीसी जनरेटर मध्ये की जेव्हा लोड जो आहे अल्टरनेटरचा तो जर व्हॅरी झाला तर त्याचा टर्मिनल व्होल्टेज सुद्धा काय होत असतं, व्हॅरी होत असतं, ठीक आहे. जैसे हम डीसी जनरेटर मध्ये पढ़ा की जैसे डीसी जनरेटर के ऊपर का लोड व्हॅरी होता है तब वहां का जो टर्मिनल व्होल्टेज होता है वो भी कहा क्या होता है, वहां पे व्हॅरी होता है, ठीक है. तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि अल्टरनेटर का अगर लोड वैरी हो गया तो वहां का टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आपका वैरी हो जाएगा. तो दिस वेरिएशन इन टर्मिनल वोल्टेज भी इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. अभी ये वेरिएशन जो होता है टर्मिनल वोल्टेज भी में वो कुछ रीजन की वजह से होता है, ठीक है. यहाँ पे तीन रीजन है. फर्स्ट रीजन है वहां यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस. आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए की वजह से वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है और वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज वहां पे वैरी हो सकता है. ये फर्स्ट रीजन है. सेकंड रीजन है वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल. आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल की वजह से भी वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज वैरी हो सकता है. और थर्ड रीजन है वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन. आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है और उसकी वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज वैरी होता है, ठीक है. तो ये तीन रीजन की वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज वैरी हो सकता है, ठीक. नाउ उसमें फर्स्ट देखेंगे अपन आर्मेचर रेजिस्टेंस. तो आर्मेचर रेजिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय आर ए. ये आर ए से डिनोट किया है अपन ने. आर्मेचर का रेजिस्टेंस है तो बेस को ए लेना है और रेजिस्टेंस के लिए आर लेना है, ठीक है. तो ये इसका सिंबल हो जाएगा. तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज दैट इज आर ए causes a voltage drop per phase of IRA. आता इथले आर्मेचर रेजिस्टन्स पर फेज मुळ म्हणजेच आर ए मुळ इथं व्होल्टेज ड्रॉप होणार आहे आपला, व्होल्टेज ड्रॉप पर फेज होणार आहे आपला आणि तो व्होल्टेज ड्रॉप होईल आपला आय आर ए एवढा. इतना हो जाएगा व्होल्टेज ड्रॉप वहां पे आय आर ए इतना. तो विच इज इन फेज विद द आर्मेचर करंट आय. और ये जो व्होल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपके आर्मेचर करंट के इन फेज में होगा, ठीक है. आर्मेचर करंट के इन फेज में होगा. तो हाउएवर दिस वोल्टेज ड्रॉप इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप आपका नेग्लिजिबल होता है, ठीक है. समझ में आया. तो ये है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस आर. समझ में आया. इसकी वजह से वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये, लेकिन ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है. लेकिन वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे वेरी हो सकता है, ठीक है. तो ये है फर्स्ट का रीजन आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, क्लियर. नाउ सेकंड रीजन क्या है अपना, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है. अभी हम आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है वो देखेंगे. तो व्हेन करंट फ्लो थ्रू द आर्मेचर कंडक्टर्स फ्लक्सेस आर सेट अप व्हिच डू नॉट क्रॉस द एरिया बट टेक अ डिफरेंट पाथ, ठीक है. जब आपका करंट आर्मेचर कंडक्टर से फ्लो होता है तब वहां पे फ्लक्सेस सेटअप होते हैं और वो आपके एयर गैप से क्रॉस नहीं होते हैं,
वो एक नहीं होते हैं, वो एक डिफरेंट पाथ लेते हैं वहां। ठीक है, ठीक है। कैसा मतलब, पहला पॉइंट जेव्हा आर्मेचर कंडक्टर मधून करंट फ्लो होत असतो आपला, तेव्हा तिथं फ्लक्सेस सेटअप केले जातात, पण ते फ्लक्सेस आपल्या एअर गॅप मधून क्रॉस न होता तिथं एक डिफरंट पाथ घेत असतो। ठीक आहे, तो सच फ्लक्सेस आर नोन ऍज लिकेज फ्लक्सेस। आणि याच फ्लक्सेसला काय म्हणतो आपण, लिकेज फ्लक्सेस। म्हणजे जे टोटल फ्लक्स आहे आपलं, ते टोटल फ्लक्स मधून फ्लक्स आपलं एअर गॅप मधून फ्लो होत असतं, राईट। ठीक आहे, जे फ्लक्सेस आहे तिथं, ते जे फ्लक्स आहे ते आपल्या एअर गॅप मधून फ्लो होत असतं, पण काही फ्लक्सेस त्यामधले ते एअर गॅप मधून फ्लो न होता ते एक दुसरा पाथ घेतात, आणि म्हणून अशा फ्लक्सेसला म्हणतो आपण लिकेज फ्लक्स। ठीक आहे, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो ही आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ लिकेज फ्लक्सेस आर शोन इन दिस फिगर। इथे एक फिगर दाखवलेली आहे, त्या फिगर मध्ये इथं व्हेरियस लिकेज फ्लक्सेस दाखवलेले त्यांनी। ठीक आहे, तो हियर इज द फिगर, सो दीज आर द व्हेरियस लिकेज फ्लक्सेस यू कॅन सी हियर। ठीक आहे, या फर्स्ट डायग्राम मध्ये इथं लिकेज फ्लक्सेस दाखवलेले त्यांनी, क्लिअर आहे, समजलं। ठीक आहे, नाउ सेकंड पॉइंट ये आहे की लीकेज प्लस इज प्रॅक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ सॅच्युरेशन। जे लीकेज फ्लक्स असतं ते प्रॅक्टिकली इंडिपेंडेंट असतं सॅच्युरेशन पासून, बट इज डिपेंडंट ऑन आय। पण ते कशावरती डिपेंडेंट आहे, आपल्या करंट वरती आणि त्याच्या फेज अँगल वरती विथ टर्मिनल व्होल्टेज व्ही। ठीक है, लीकेज प्लस जो होता है वो आपका प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होता है सैचुरेशन से, बट वो आपका डिपेंड होता है करंट पे, करंट पे डिपेंडेंट होता है, एंड इस फेज एंगल विद टर्मिनल वोल्टेज पे भी वो डिपेंडेंट होता है। तो दिस लीकेज प्लस सेट अप एंड ईएमएफ, इस लीकेज प्लस की वजह से भी वहां पे एक ईएमएफ सेटअप किया जाता है ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, दिस लीकेज प्लस सेट अप एंड ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विच इज नोन एज रिएक्टेंस ईएमएफ, उसी को बोलते हैं रिएक्टेंस ईएमएफ। ये लीकेज फ्लक्स की वजह से वहां पे जो ईएमएफ सेटअप किया होता है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, उसी को बोलते हैं रिएक्ट। ठीक है, तो मतलब लीकेज फ्लक्सेस जे सेटअप झाले, सेटअप झालेले त्यामुळे तिथे एक ईएमएफ इंड्यूस होत असतो सेल्फ इंडक्टन्स मुळे, आणि त्यालाच म्हणतो आपण रिएक्टन्स ईएमएफ। ठीक आहे, म्हणून इथं नाव दिलेले आर्मेचर लीकेज रिएक्ट। ठीक आहे, तो विच इज अहेड ऑफ, आणि हे रिएक्टन्स ईएमएफ हे अहेड मध्ये असतं, म्हणजे लिडिंग मध्ये असतं करंटच्या, किती डिग्री मध्ये लिडिंग मध्ये असतं, 90 डिग्री। ठीक आहे, लिकेज जो रिएक्टन्स है अपना, यानी रिएक्टन्स ईएमएफ जो है आपका, वो करंट से वहां पे 90 डिग्री से लिडिंग में रहे। ठीक है, हेंस आर्मेचर वाइंडिंग इज अज्यूम टू पजेस लीकेज रिएक्टेंस एक्सेप्ट। तो हम आर्मेचर वाइंडिंग को ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसको एक लीकेज रिएक्टेंस होता है एक्सएल इसका। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कोटायर रिएक्टेंस एक्सपी। ये लीकेज रिएक्टेंस को दूसरा नाम है कोटायर रिएक्टेंस एक्सपी भी बोलते हैं उसको। सच दैट वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दिस इक्वल्स टू आई एक्सएल। और इस लीकेज रिएक्टेंस की वजह से जो ड्रॉप होता है वहां पे वो होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दिस एक्सएल, एंड वो कितना होता है, ये आई एक्सएल इतना होता है। ठीक है, जैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग में जो ड्रॉप हुआ था वो हमने आई आर ए से डिनोट किया था, राइट। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग में जो ड्रॉप हुआ है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप पर फेज में, वो आई आर ए से डिनोट किया था। वैसे हम एक्सएल की वजह से जो ड्रॉप होगा वहां पे, उस ड्रॉप को डिनोट किया है हमने आई एक्सएल, क्लियर है। तो पार्ट ऑफ द जनरेटेड ईएमएफ इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग दिस रिएक्टेंस ईएमएफ। तो ये जनरेटेड ईएमएफ का जो पार्ट होता है वही यूज किया जाता है वहां के रिएक्टेंस ईएमएफ को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, त्याच जनरेटेड ईएमएफ का पार्ट अपन काय करतो, इथले रिएक्टेंस ईएमएफ ना ओवरकम करण्यासाठी यूज करत असतो। ठीक है, आणि त्यामुळे ई इज इक्वल टू, इथं फॉर्म्युला लिहितायला आपल्याला, ई इज द इंड्यूस ईएमएफ, ई इज इक्वल टू व्ही, व्ही म्हणजे वोल्टेज असणार आहे आपलं, प्लस आय म्हणजे करंट असणार आहे, आर इन ब्रॅकेट आर प्लस जे एक्सएल, आर म्हणजे रेजिस्टन्स असणार आहे, एक्सएल म्हणजे रिएक्टन्स असणार आहे लिकेज रिएक्टन्स, आणि जे म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला
जो इमेजिनरी पार्ट है। तो दिस फैक्ट इज इलस्ट्रेटेड इन दी वेक्टर डायग्राम। एक वेक्टर डायग्राम पर आपको देगी कितना मतलब यहाँ पर इलस्ट्रेट के लिए। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दीज आर दी वेरियस लीकेज स्ट्रक्चर्स दैट आर शोन इन दिस फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम मध्ये हे स्टेटर कंडक्टर दाखवलेले होते। ठीक आहे, आणि हा लीकेज फ्लक्स दाखवलेला होता। क्लियर आहे? सो दीज आर दी स्टेटर कंडक्टर अँड दिस इज द लीकेज फ्लक्स, राईट? नाऊ दिस इज द वेक्टर डायग्राम। ठीक आहे, हा वेक्टर डायग्राम दाखवली। आता आर्मेचर रेझिस्टन्स मुळे जो ड्रॉप झाला आर्मेचर वाइंडिंग मध्ये तो आपण डिनोट केला होता आय आर एने। तो व्ही हा आपण रेफरन्स फेजर घेतला। ठीक आहे, आणि आ हा लॅगिंग मध्ये घेतला आपण फाय एवढ्या अँगल ना। व्होल्टेज हा लिडिंग मध्ये असेल, करंट हा लॅगिंग मध्ये असेल। याच्या एक्झॅक्टली याच डायरेक्शन ओ आय च्या डायरेक्शन आपण आय आर ए ड्रॉप घेतला आणि त्याच्यावरती आपण आय एक्स एल ड्रॉप घेतला। आणि या दोघांचा जो रिझल्टंट असतो आर ए प्लस पी ऑफ एक्स एल तो असणार आहे आपला इथला इम्पिडन्स। ठीक आहे, आणि या सगळ्यांचा रिझल्टंट म्हणजे असणार आहे तिथला आपला ई एम एफ, दॅट इज ई बी। क्लिअर आहे? वेक्टर डायग्राम क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट है यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन है अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। तो वी नो दैट एवरी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन वर्क्स बेस्ड ऑन फैराडे लॉ। हमें मालूम है कौन सी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन अपने फैराडे लॉज पे ही वर्क होती है। तो एवरी इलेक्ट्रिकल मशीन रिक्वायर सम मैग्नेटिक फील्ड। त्यामुळे प्रत्येक इलेक्ट्रिकल मशीनला तिथं मॅग्नेटिक फील्डची गरज असते आणि तिथे कॉइलची सुद्धा गरज असते, म्हणजेच आर्मेचरची गरज असते विथ अ रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन देम, आणि त्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन सुद्धा झाली पाहिजे। ठीक आहे, नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ अल्टरनेटर वी सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी टू पोल टू प्रोड्यूस द मॅग्नेटिक फील्ड। अल्टरनेटर में क्या करते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं पोल को ताकि पोल क्या कर सके वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके एंड आउटपुट पावर इज टेकन फ्रॉम द आर्मेचर। और आर्मेचर से हम क्या करते हैं वहां पे आउटपुट पावर लेते हैं अल्टरनेटर में। ठीक है, तो ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर और वहां के फील्ड और आर्मेचर में जो रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, द कंडक्टर ऑफ आर्मेचर कट दी फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर्स होते हैं आपके आर्मेचर के, वो क्या करते हैं वहां के मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं एंड हेंस देयर वुड बी अ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। वहां उसकी वजह से वहां पे चेंज इन फ्लक्स लिंकेज वहां पे आपका प्रोड्यूस होता है। तो विथ दीज आर्मेचर कंडक्टर देयर वुड बी अ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विथ दीज आर्मेचर कंडक्टर्स। आर्मेचर कंडक्टर्स पे वहां पे एक चेंज इन फ्लक्स लिंकेज वहां पे। ठीक आहे, समजलं? हे अल्टरनेटर मध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी कुठं प्रोव्हाइड करतोय पोलला। पोलला इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड केल्यामुळं तिथं पोल्स काय करतात मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करतात आणि जे आउटपुट पॉवर आहे ती आपण आर्मेचर पासून घेतो अल्टरनेटर मध्ये। त्यामुळं तिथं जी रिलेटिव्ह मोशन आहे फील्ड मधली आणि आर्मेचर मधली, त्यामुळं कंडक्टर्स जे आहेत आर्मेचरचे ते काय करतील तिथल्या मॅग्नेटिक फील्डला कट करतील आणि त्यामुळं आर्मेचर कंडक्टर्स वरती फ्लक्स लिंकेज तिथं तयार होईल। ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, आपल्याला माहिती आहे फॅराडेज लॉज जो आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचा, त्यानुसार देअर वुड बी अँड ई एम एफ इंड्यूस इन दी आर्मेचर। ठीक आहे, आर्मेचर मध्ये काय होईल अँड ई एम एफ तिथं इंड्यूस होईल, कारण आपल्याला माहिती आहे आर्मेचर ते काय करायले त्या मॅग्नेटिक फील्डला कट करायले, त्यामुळे नक्कीच आर्मेचर वाइंडिंग मध्ये काय होणार आपलं ई एम एफ इंड्यूस होणार। सो दस ऍज सून ऍज द लोड इज कनेक्टेड विथ द आर्मेचर टर्मिनल्स, त्यामुळं ऍज सून ऍज जर आपण तिथं लोड जर कनेक्ट केला आर्मेचर टर्मिनल्सला तो देर इज अँड करंट फ्लोईंग इन द आर्मेचर कॉइल, त्यामुळे आर्मेचर कॉइल मधून काय होणार आपलं करंट फ्लो होणार। क्लिअर आहे? नाउ ऍज सून ऍज करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर कंडक्टर, आता ऍज सून ऍज करंट जर फ्लो झाला तिथल्या आर्मेचर कंडक्टर मधून सो देर इज वन रिव्हर्स इफेक्ट ऑफ दिस करंट ऑन दी मेन फील्ड फ्लक्स, त्यामुळे तिथं एक रिव्हर्स इफेक्ट होतो त्या करंटचा तिथल्या मेन फील्ड फ्लक्स वरती अल्टरनेटरच्या
सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक आहे. आणि या रिव्हर्स इफेक्टला आपण म्हणतो आर्मेचर रिॲक्शन अल्टरनेटर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर. क्लिअर आहे की जेव्हा ॲज सून ॲज करंट फ्लो होतो आपल्या आर्मेचर कंडक्टर्स मधून, त्यामुळे तिथे एक रिव्हर्स इफेक्ट होतो त्या करंटचा मेन फील्ड फ्लक्स वरती अल्टरनेटरचा, आणि त्या रिव्हर्स इफेक्टलाच म्हणतो आपण आर्मेचर रिॲक्शन इन अल्टरनेटर किंवा सिंक्रोनस जनरेटर. आर्मेचर रिॲक्शन ऑफ द अल्टरनेटर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर डिपेंड्स अपॉन द फेज अँगल बिटवीन स्टेटर आर्मेचर करंट अँड इंड्यूस व्होल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर. या आर्मेचर रिॲक्शन जे आहे अल्टरनेटरची किंवा सिंक्रोनस जनरेटरची, ती डिपेंड असते तिथल्या फेज अँगल वरती. कशामधला फेज अँगल पाहिजे, तो स्टेटर आर्मेचर करंट आणि तिथल्या इंड्यूस व्होल्टेज मधल्या फेज अँगल वरती ती आर्मेचर रिॲक्शन डिपेंड असते. इंड्यूस व्होल्टेज कशाच्या अक्रॉस करायचं आपल्याला, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ दी अल्टरनेटरच्या अक्रॉस, ठीक आहे. आर्मेचर रिएक्शन जो है अल्टरनेटर का या फिर सिंक्रोनस जनरेटर का, वो डिपेंड होता है वहां के फेज एंगल को, फेज एंगल पे, ठीक है. वो फेज एंगल इसमें का होना चाहिए आपके स्टेटर आर्मेचर करंट एंड इंड्यूस वोल्टेज जो है आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस का, उस उन दोनों में जो फेज एंगल है उसके ऊपर डिपेंड होता है ये आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर, ठीक है. स्टेटर आर्मेचर करंट एंड इंड्यूस वोल्टेज, ये दोनों में जो फेज एंगल है उसके ऊपर आपका आर्मेचर रिएक्शन जो है अल्टरनेटर का वो डिपेंड होगा. तो द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, ये जो दो क्वांटिटीज है उसमें जो फेज डिफरेंस है आपका, दैट इज आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है आपका, दैट मे वेरी फ्रॉम -90 डिग्री टू +90 डिग्री. वो वेरी हो सकता है आपका -90 डिग्री से +90 डिग्री, ठीक है. तो इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर हम उसको कंसिडर करेंगे थीटा वो एंगल है, देन व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन यूनिटी पावर फैक्टर इज, ठीक है. थीटा की वैल्यू अगर जीरो रहेगी तो वहां पे यूनिटी पावर फैक्टर होगा. थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो लैगिंग जीरो पावर फैक्टर होगा, और थीटा की वैल्यू अगर -90 हो गई तो वहां पे लीडिंग पावर फैक्टर होगा. क्लियर है, ये कंडीशन ध्यान में रखना है आपको. थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो वहां पे यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा, क्योंकि कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, और इनवर्स ऑफ जीरो यानी वन, ठीक है. तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो लैगिंग में रहेगा, थीटा इक्वल टू -90 डिग्री है तो लीडिंग में रहेगा. सो इन डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड पर. डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन देखा था हमने, वहां पे क्या डेफिनेशन बोली थी आर्मेचर रिएक्शन की, इट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड. ये इफेक्ट होता है आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर, ठीक है. दैट इफेक्ट को ही हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर. तो इन केस ऑफ अल्टरनेटर द पावर फैक्टर ऑफ द लोड हैज अ कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन द आर्मेचर रिएक्शन. लेकिन अभी अल्टरनेटर में जो पावर फैक्टर है लोड का, उसका कंसिडरेबल इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर, ठीक है. अपन डीसी जनरेटर मध्ये आर्मेचर रिएक्शन म्हणजे काय डेफिनेशन काय सांगितली होती, हा इफेक्ट असतो आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स वर, त्याला आपण आर्मेचर रिएक्शन म्हटलं आपण डीसी जनरेटर मध्ये. पण आता इन केस ऑफ अल्टरनेटर्स मध्ये जो पॉवर फॅक्टर आहे लोडचा, त्याचा कन्सिडरेबल इफेक्ट होत असतो तिथल्या आर्मेचर रिएक्शन वरती, ठीक आहे. पॉवर फॅक्टर जो आहे लोडचा, त्याचा कन्सिडरेबल इफेक्ट होत असतो तिथल्या आर्मेचर रिएक्शन वरती. आणि म्हणून इथं डिफरंट कंडिशन्स ज्या आहेत पॉवर फॅक्टरच्या आर्मेचर रिएक्शन साठी, त्या डिफरंट असणार आहेत. डिफरंट कंडिशन ऑफ द पॉवर फॅक्टर दी आर्मेचर रिएक्शन इज डिफरंट. वेगवेगळ्या पॉवर फॅक्टर साठी, वेगवेगळ्या पॉवर फॅक्टरच्या कंडिशन साठी आर्मेचर रिएक्शनचा इफेक्ट हा वेगवेगळा असणार आहे. सो हियर वी विल कन्सिडर दीज थ्री केसेस. त्यामुळे इथं आपल्याला तीन केसेस कन्सिडर करायचे, ठीक आहे. त्यामध्ये पहिले आहे वेन द लोड पॉवर फॅक्टर इज युनिटी, वेन द लोड पॉवर फॅक्टर इज युनिटी, फर्स्ट केस लागेल. सेकंड केस आहे वेन द पॉवर फॅक्टर इज झिरो लॅगिंग, वेन द पॉवर फॅक्टर इज झिरो लॅगिंग, ठीक आहे. अँड थर्ड केस आहे यहाँ पे वेन द पॉवर फॅक्टर इज झिरो लीडिंग. क्लिअर आहे. तो ये तीनों कंडिशन हम यहाँ पे चेक करने हैं, ठीक है. तो फर्स्ट केस है वेन द थीटा इज इक्वल टू जीरो, यूनिटी पावर फैक्टर जब है तब क्या कंडीशन है, देखो.
इन दिस केस द आर्मेचर फ्लक्स इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। इस केस में क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। तो द रिजल्ट इज दैट द फ्लक्स एट द लीडिंग टिप्स ऑफ द पोल इज रिड्यूस्ड व्हाइल इट इज इंक्रीज एट द ट्रेलिंग टिप्स। यहाँ का फ्लक्स आर्मेचर का फ्लक्स यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, तो इसका इफेक्ट क्या मिलता है कि जो फ्लक्स होता है आपका लीडिंग टिप्स जो होते हैं पोल्स के, वहां पे फ्लक्स आपका रिड्यूस होता है, और जो ट्रेलिंग टिप्स है पोल्स के वहां पे फ्लक्स क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आर्मेचर फ्लक्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आहे, त्यामुळे आपल्याला रिझल्ट काय मिळतो की जे लीडिंग टिप्स आहेत पोलचे तिथं फ्लक्स हे रिड्यूस होतं, लीडिंग पोल जे आहेत फ्लक्स चे तिथं फ्लक्स लीडिंग पोल जे आहेत लीडिंग टिप्स जे आहेत पोलचे तिथं फ्लक्स आपलं रिड्यूस होतं, आणि ट्रेलिंग टिप्स जे आहेत पोलचे तिथं फ्लक्स काय होतं इन्क्रीज होतं। तर हाऊ एव्हर दीज टू इफेक्ट नियरली ऑफसेट इच अदर, त्यामुळे इथं जे हे दोन इफेक्ट्स आहेत ते एकमेकांना ऑफसेट करत आहे। सो अदर लिव्हिंग द इच अदर लिव्हिंग द ऍव्हरेज फील्ड स्ट्रेंथ कॉन्स्टंट, ठीक आहे, ते ऑफसेट करत आहे दोन इफेक्ट्स एकमेकांना, त्यामुळे ऍव्हरेज फील्ड स्ट्रेंथ जी आहे ती तिथं कॉन्स्टंट राहणार आहे। इन अदर वर्ड्स आर्मेचर रिएक्शन फॉर युनिटी पॉवर फॅक्टर इज डिस्टॉर्शन, त्यामुळं आर्मेचर रिएक्शन युनिटी पॉवर फॅक्टरसाठी कशी असणार आहे डिस्टॉर्शनल असणार आहे। ठीक आहे, so at unity power factor the angle between armature current I and induced emf E is zero. so unity power factor पे जो angle है आपके armature current और induced emf E में वो zero होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे theta is equal to zero लिया है, so that means the armature current and induced emf are in phase, तो वहाँ पे armature current and induced emf आपका in phase में रहेंगे। ठीक है, ये हम आगे उसके phasor diagram में भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी ये यूनिटी पावर फैक्टर है, यानी वहां का लोड कैसा होना चाहिए आपका प्योरली रेजिस्टिव, क्योंकि रेजिस्टिव लोड में ही आपका वोल्टेज एंड करंट इन फेज में होते हैं, तो वहां का पावर फैक्टर कितना होता है आपका यूनिटी पावर फैक्टर। लेकिन यहाँ पे आर्मेचर का फ्लक्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है अपना, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एन पोल कंसिडर करता हूँ मैं और दूसरा ये एस पोल कंसिडर करता हूँ, ठीक है, ये सपोज मेन फील्ड फ्लक्स का वेव फॉर्म अभी ऐसा मिला है सपोज हमें, ठीक है, मेन फ्लक्स का फ्लक्स हम फाई एफ से डिनोट करेंगे सपोज यहाँ, ठीक है, और ये सपोज आपका आर्मेचर फ्लक्स है, तो ये आर्मेचर फ्लक्स यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, यहाँ पर मेन फील्ड फ्लक्स को क्या कर रहा है वो क्रॉस कर रहा है यहाँ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सपोज मेन फ्लक्स का हमने एरो दिखाया यहाँ पे रेफरेंस फेजर लिया सपोज ये फेजर डायग्राम इसे ध्यान में रखेंगे, ये मेन फ्लक्स फाई एफ का फेजर लिया अपन ने, ठीक है, अभी ये इंड्यूस ईएमएफ का फेजर रहेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ किसकी वजह से थे वहां पे प्रोड्यूस होता है, यानी इंड्यूस होता है मेन फ्लक्स फाई एफ की वजह से, ठीक है। अभी यूनिटी पावर फैक्टर है, तो उसकी वजह से आपका आई ए फेज यानी आर्मेचर वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो होगा आपका आई ए, ठीक है, और ये फेज का है, सो आई ए फेज और ये ई फेज दोनों इन फेज में रहेंगे आपके, ठीक है, इन फेज में यानी एक ही एरो पे रहेंगे ये दोनों, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पे यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा। और यहाँ पे आपका फाई ए आई ए करंट फ्लो हो जाने की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आपका आई ए, तो उसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो रहेगा आपका फाई ए, सो फाई ए एंड आई ए क्या होंगे यहाँ पे फिर से इन फेज में रहेंगे, क्लियर है, ये होगा आपका इफेक्ट यूनिटी पावर फैक्टर का इफेक्ट, क्लियर है। सेकंड है आपका वेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लैगिंग जीरो पावर फैक्टर जब है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्मेचर फ्लक्स इज इन डायरेक्ट अपोजिशन टू द मेन फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स जो है वो डायरेक्ट अपोजिशन में आता है मेन फ्लक्स के, तो द मेन फ्लक्स इज डिक्रीज, तो उसकी वजह से मेन फ्लक्स आपका डिक्रीज होता है, तो देयरफॉर इट इज फाउंड दैट आर्मेचर रिएक्शन इन दिस केस इज होली डी मैग्नेटाइजिंग विद द रीजन, उसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन
जो है यहाँ पे वो होली डीमैग्नेटाइजिंग होती है, सो दैट ड्यू टू दी वीकनिंग ऑफ द मेन फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे मेन फ्लक्स क्या हो रहा है आपको, वीकनिंग हो रहा है उसको एंड वो डिक्रीज हो रहा है, तो लेस ईएमएफ इज जनरेटेड, तो उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ लेस जनरेट होता है। ठीक है, जैसे इधर थीटा की वैल्यू इधर जीरो के लिए अपन तो लैगिंग जीरो पावर फैक्टर रखना रहे कितना, और इधर आर्मेचर फ्लक्स जो आए ये मेन फ्लक्स का डायरेक्ट अपोजिशन मध्ये आहे, त्यामुळे मेन फ्लक्स आपलं डिक्रीज होणार आहे। ठीक आहे, आणि त्यामुळं आर्मेचर रिॲक्शनचा रिॲक्शन इथं फुल्ली डीमॅग्नेटायझिंग असणार आहे या रिझल्ट सोबत, कारण तिथं मेन फ्लक्सचं विकनिंग होतंय, म्हणजेच मेन फ्लक्स डिक्रीज होतोय आपलं किंवा रिड्यूस होतोय, आणि त्यामुळे लेस ईएमएफ जनरेट होईल। तो टू कीप द वैल्यू ऑफ जनरेटेड ईएमएफ द सेम, अभी हमें जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू अगर सेम रखनी है तो फील्ड एक्साइटेशन विल हैव टू बी इंक्रीज, यहाँ पे आपको फील्ड एक्साइटेशन को इंक्रीज करना होगा टू कंपेंसेट फॉर दी दिस वीकनिंग, उस वीकनिंग को कंपेंसेट करने के लिए वहां का एक्साइटेशन आपको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ जर सेम ठेवायचं, जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू जर सेम ठेवायची आपल्याला, तर फील्ड एक्साइटेशन तिथलं इन्क्रीज करायला लागेल आपल्याला, कारण तिथं जे वीकनिंग आहे फ्लक्सचं त्याला आपल्याला कंपेन्सेट करायचं। ठीक आहे, फ्लॅट लॅगिंग झिरो इलेक्ट्रिकल पॉवर फॅक्टर, त्यामुळे लॅगिंग झिरो इलेक्ट्रिकल पॉवर फॅक्टरला आर्मेचर करंट हा लॅगिंग मध्ये असणार आहे 90 डिग्री ना, तिथे इंड्यूस ईएमएफ तो आर्मेचर करंट लॅगिंग में रहेगा आपका 90 डिग्री से इंड्यूस ईएमएफ में। ठीक है, वो लैगिंग में होता है 90 डिग्री से, तो उसकी वजह से थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, आर्मेचर करंट लैग्स बाय 90 डिग्री टू द इंड्यूस ईएमएफ इन द आर्मेचर, सो एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल ड्यू टू द मेन फील्ड फ्लक्स, ईएमएफ कुठे इंड्यूस होतो आपल्या आर्मेचर कॉइल मध्ये तिथे मेन फील्ड फ्लक्स मुळे, त्यामुळे ईएमएफ हे लीडिंग मध्ये असणार आहे तिथे मेन फील्ड फ्लक्सच्या 90 डिग्री, ईएमएफ हे मेन फील्ड फ्लक्सच्या 90 डिग्री ने लीडिंग मध्ये। पुढे आपण फेजर डायग्राम मध्ये पाहू। ठीक है, अभी लैगिंग पॉवर फैक्टर है, तो ये प्योरली इंडक्टिव लोड रहेगा, और यहाँ का आपका आर्मेचर फ्लक्स डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक, तो उसके वजह से सपोज ये एन पोल है अपना, ये एस पोल है, ये मेन फ्लक्स का वेवफॉर्म है। ठीक है, ऐसा रहेगा, और इसके फेज अपोजिशन में आपका आर्मेचर फ्लक्स होगा, इसकी एग्जैक्टली फेज अपोजिशन में देखो यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा है वेवफॉर्म और इसका एग्जैक्टली अपोजिट है इसके वेवफॉर्म, तो ये फेज अपोजिशन में होंगे। अब ये मेन फ्लक्स का रेफरेंस फेजर लिया था खुद अपने पाई एफ का। ठीक है, ये ई फेज होगा आपका इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू मेन फ्लक्स, पाई एफ की वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो गया। ठीक है, अभी ये एग्जैक्टली आओ यहाँ पे मेन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में आई का फेजर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फेज अपोजिशन में, देखो ये मेन फ्लक्स है और इसके अपोजिट आपका आर्मेचर फ्लक्स है, तो वहां पे पाई एफ यानी फील्ड करंट ये आपका अपोजिट रहेगा मेन मेन फ्लक्स का एरो और आर्मेचर करंट का एरो, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और ये आर्मेचर फ्लक्स होगा आपका पाई एफ, तो ये पाई और ये पाई एफ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और पाई एंड आई ए क्या होंगे आपके इन फेज में होंगे, ये दोनों में जो एंगल है वो यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे लोड करंट जो है आपका वो लैगिंग में होगा वोल्टेज से 90 डिग्री से। ठीक है, ये ई फेज है, तो ये लैगिंग में होगा, ये ई फेज से लैगिंग में होगा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, क्लियर है, और मेन फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज होता है डीसी एक्साइटेशन, मेन फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज होता है डीसी एक्साइटेशन, क्लियर है। एंड लास्ट का इसका जो इफेक्ट है वो है थीटा की वैल्यू जो -90 डिग्री होगी, यानी विंड पावर फैक्टर होगा, तो इन दिस केस आर्मेचर फ्लक्स वेव हैज मूव फॉरवर्ड बाय 90 डिग्री, आर्मेचर फ्लक्स जो है वो मूव हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन से 90 डिग्री से, सो दैट इट इज इन फेज विद द मेन फ्लक्स वेव, तो उस वजह से वो मेन फ्लक्स वेव के इन फेज में जाएगा। ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स वेव जी आहे मूव केली जाईल फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये 90 डिग्री ना, त्यामुळे ही मेन फ्लक्स वेवच्या इन फेज मध्ये जाईल आणि रिझल्ट जो आहे तो ऍड केला जाईल तिथल्या मेन फ्लक्स मध्ये, त्यामुळं इन धिस केस आर्मेचर रिएक्शन ही फुली मॅग्नेटाइज, त्यामुळे या केस मध्ये आर्मेचर रिएक्शन ही फुली मॅग्नेटाइजिंग असणार आहे, तो विच रिझल्ट इन ग्रेटर इंड्यूस ईएमएफ, त्यामुळे तिथे आपल्याला ग्रेटर इंड्यूस ईएमएफ मिळणार आहे, आणि टू कीप द व्हॅल्यू ऑफ जनरेटेड ईएमएफ सेम, तिथे ईएमएफ ची व्हॅल्यू सेम ठेवण्यासाठी
फील्ड एक्साइटेशन आपल्याला काय करावं लागेल, एक्झॅक्टली रिड्यूस करावं लागेल इथं. ठीक आहे, जसं आपण थीटाची व्हॅल्यू 90 डिग्री असणारा फील्ड एक्साइटेशन इन्क्रीज करत होतो, ते फील्ड एक्साइटेशन आता रिड्यूस करायला लागेल. सो ऍट लीडिंग पॉवर फॅक्टर कंडिशन आर्मेचर करंट आय लीड्स इंड्यूस ईएमएफ ई बाय अन अँगल 90 डिग्री. त्यामुळे आर्मेचर करंट आय हा लीडिंग मध्ये जाणार आहे इंड्यूस ईएमएफ ईच्या, आर्मेचर करंट लीडिंग में जाएगा इंड्यूस ईएमएफ से 90 डिग्री एंगल से. सो अगेन वी हैव शोन जस्ट फील्ड फ्लक्स लीड, उसकी वजह से हम यहाँ पे फील्ड फ्लक्स को लीडिंग में लेंगे इंड्यूस ईएमएफ से 90 डिग्री. ठीक है, और हम यहाँ पे देखेंगे तो ये लीडिंग पावर फैक्टर है. तो यहाँ पर लोड कैसा होना चाहिए आपका, प्योरली कैपेसिटी. ये मैग्नेटाइजिंग है, यहाँ पे आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है वो मैग्नेटाइजिंग है, उसके लिए सपोज ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये मेन फ्लक्स का वेवफॉर्म है अपना. मेन फ्लक्स का वेवफॉर्म तीनों कंडीशन के लिए सेम ही रहेगा, ध्यान में रखो. और ये अभी आर्मेचर फ्लक्स है, तो आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स अभी एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बोला था अपन ने कि यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स मूव हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन से 90 डिग्री, तो मेन फ्लक्स वेव में वो इन फेज में आएगा, तो यहाँ पे इन फेज में दिख रहा है थोड़ा सा. ठीक है, नाउ इसका फेजर डायग्राम देखो. मेन फ्लक्स फाई अप है, या अभी इसके यहाँ पे ये फाई अप लीडिंग में रहेगा, ये फेज लैगिंग में रहेगा. ठीक है, आई ए अभी ये इसी डायरेक्शन से तो होगा, क्योंकि अभी ये दोनों इन फेज में दिखा रहे हैं. तो ये आर्मेचर फ्लक्स और ये मेन फ्लक्स आपका इन फेज में दिखा है, अपन एक के आरो पे दिखा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लोड करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री से लीडिंग में गया है. देखो ये वोल्टेज का फेजर है आपका ई फेज, और ये आई आई का फेजर है, अभी आई ए का फेजर वो, तो ये 90 डिग्री से लीडिंग में गया अभी, और मेन फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डी से एक्साइटेशन. ठीक है, समझ में ये है आपके तीन आर्मेचर रिएक्शन, कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये है आपकी टोटल आर्मेचर रिएक्शन. आपको ये एग्जाम में सारे डायग्राम्स निकालने अंदर को, तभी आपको ये क्वेश्चन ये फुल मार्क्स मिलेगी. ठीक है, तो विल स्टॉप हियर. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप ये कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.